Cover 24 News, सच वही जो दिखेगा। राहत कार्य में जुटे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा, कहा नवादा के गरीबों को नहीं होने देंगे दिक्कत। ये बात बता दें कि नवादा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले श्रवण कुशवाहा ने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में गरीब लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा नवादा गरीबों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। कोरोना वायरस से उत्पन्न इस आपदा की घड़ी में उन्होंने बढ़कर आगे आया और अपने आवास पर लगभग 5,000 गरीब परिवारों के बीच बांटे जाने वाले आलू आटा टिक्की। इसके अंदर जो महामारी उत्पन्न हुआ है, इसमें मदद तो खुले दिल से करने की आवश्यकता है। श्रवण कुशवाहा ने एकदम हकीकत में वास्तविकता के साथ ये दिल से मन बना कि मैं प्रतिनिधि हूँ या न हूँ, ये बात का विषय है। मानवता सबसे पहले, 5,000 ये प्रथम चरण में इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है कि हमको गरीबों तक जाना है, लेकिन बीच में जब फिर और भी लोग क्षेत्र से यह बात सामने आएगी कि कुछ और भी गरीब भी आवश्यकता के में हैं, तो फिर हम द्वितीय चरण की भी शुरुआत श्रवण कुशवाहा जी की ओर से ये होगा। श्रवण कुशवाहा जी का लक्ष्य है कि विधानसभा जो नवादा विधानसभा है उसका कोई भी गरीब वो भूखा न रहे, और श्रवण कुशवाहा का खुलेआम ऐलान है कि जो भी गरीब कहीं भी है वो हमारे यहाँ फोन करें। इनका फोन प्रचारित है, मेरा भी फोन है, वो मैं इनके यहाँ फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये बिल्कुल गरीब लोगों के इस विकट और दुखद घड़ी में एकदम उसका साथ होकर, उसका हम सफर होकर के ये मदद करने के लिए उत्साहित हैं। जो आप यहाँ पर खड़े हैं, ये इनका स्टोर रूम है। जैसे जैसे ये सारा खाद्यान्न आ रहा है, ये तमाम गरीबों के यहाँ जाएगा। 5,000 कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितना दूर तक जाएगा। जब चुनाव में कुछ लोग पैसे खर्च करते हैं, इनका सोच है श्रवण कुशवाहा जी का कि चुनाव में खर्च करता है अनाप शनाप, हम वास्तविकता में जो हम आपको भगवान भगवती ने दिया है, हम उसको गरीब की सेवा में पहुंचा करके इसको ही अपना नवरात्रा का या भगवती का, भगवान का पूजा अपना आराधना समझेंगे, ऐसा इन्होंने ये संकल्प लिया। गरीबों के लिए क्या आप अनाज बांट रहे हैं? हम लोग अभी जो अभी चल रहा है महामारी की स्थिति है जिला में, उसके लिए हम लोगों ने गरीब के लिए जो बेचारा लाचार है, खाने के लिए मोहताज, कोई भूखे ना सोए, इसके लिए हम लोगों ने सभी गरीबों को भी चावल और आटा और आलू दाल और डिटोल साबुन की व्यवस्था कर रहे हैं। और हम सब मिलकर 5,000 घरों में बिना भीड़ लगाए हुए सभी के दरवाजा पे हमारे कार्यकर्ता स्वयं जाके पहुंचा। डिटोल साबुन, चावल और दाल का पैकेट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना वायरस का कहर जारी रहेगा, तब तक मैं गरीबों के साथ हूँ और भरपूर सहयोग करता रहूंगा। उन्होंने बताया कि कादरगंज पंचायत के अलावा समाय, सिंसवा, नारदीगंज, नवादा सदर प्रखंड और नारदीगंज प्रखंड के साथ साथ नवादा शहर में भरपूर मात्रा में गरीबों के बीच अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके घरों तक अनाज पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उन गरीबों तक पहुँचाएंगे। उन्होंने आग्रह किया कि जिले में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वह दिल खोलकर गरीबों की भरपूर मदद करें ताकि उन्हें भूखे सोना नहीं पड़े। गौरतलब है कि सोमवार को व्यवसायी राजीव कुमार सिन्हा एवं उनकी मॉर्निंग वॉक टीम के द्वारा गरीबों के बीच खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। राजीव सिन्हा ने पहले कह दिया कि इस आपदा की घड़ी में कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए, इसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी।